दोस्तों आज बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मिनी सीरीज द रेलवे मैन के बारे में, जो कि स्टार कास्ट है आर माधवन, के मेनन, देवेंदु शर्मा और बाबिल खान। सपोर्टिंग रोल में हैं सनी हिंदुजा, जूही चावला, दिव्येंदु भट्टाचार्य, रघुवीर यादव, मंदिरा बेदी। तो रेलवे मैन की स्टोरी है 1984 के भोपाल गैस ट्रेजिडी के इवेंट्स के ऊपर। शो का नैरेटिव बेसिकली ये दिखाता है कि किस तरह कुछ सिंपल ह्यूमंस ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोइक टास्क परफॉर्म किए एडवर्सिटी में। द रेलवे मैन वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलर हार्ट शैटरिंग सीरीज है नेटफ्लिक्स और वायरअप की तरफ से। कास्ट के बारे में बात करें तो हर एक कैरेक्टर ने अपने बेस्ट परफॉर्मेंसेज दिए हैं, अपने कैरेक्टर्स के साथ 100% जस्टिस किया है। के मेनन, आर माधवन, देवेंदु शर्मा की एक्टिंग और कैरेक्टर पोर्ट्रेयल तो ज़बरदस्त है ही, लेकिन साथ ही साथ बबील खान की एक्टिंग एज अ यंग इनएक्सपीरियंस लोको पायलट बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला है शो में। इस 4 एपिसोड मिनी सीरीज में हर एपिसोड अराउंड 1 घंटे लंबा है और मेकर्स ने एक भी मिनट को वेस्ट ना करते हुए स्टार्टिंग से ही हर अच्छे सीन पर इतना फोकस किया है कि हर सीन आपको हिट करेगा। मेकर्स ने बहुत ही सिंपल सीक्वेंसेस को यूज कर ट्रेजेडी के हॉरर्स को जितना रियलिस्टिकली पॉसिबल हो सकता है दिखाने की कोशिश की है। एक्टर की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। के मेनन ने शो को जबरदस्त तरीके से संभाला है। वहीं देवेंदु शर्मा का कैरेक्टर चीकी दिखाया गया है, लेकिन किस तरह वो कैरेक्टर एक अहम रोल निभाता है ये शो देखकर ही आपको पता चलेगा। माधवन का कैरेक्टर एक सडन चैलेंज फेस करता है और किस तरह से सिचुएशन से उभरता है ये देखना भी एक ट्रीट है माधवन फैंस के लिए। लेकिन शो के रियल स्टार का अवार्ड मैं बबील खान को देना चाहूंगा, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन इरफान खान के फैंस को थी, बाबिल उन सब पर खरे उतरे हैं और उनकी एक्टिंग को देखकर लगता है कि वो अपने फादर की लेगेसी को जरूर आगे बढ़ाएंगे जिस तरीके का बार उन्होंने सेट किया था। सनी हिंदुजा का रोल भी काफी ब्रूटल है। उन्होंने शो में एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है जो सच को तलाश रहा है, और बता दूं उनका कैरेक्टर भी रियल लाइफ कैरेक्टर से ही चौक किया गया है। बाकी कलाकार जैसे जूही चावला, मंदिरा बेदी, रघुवीर यादव ने भी अपने कैरेक्टर्स को परफेक्शन के साथ प्ले किया है, भले ही उनको लिमिटेड टाइम मिला हो। 4 घंटे लंबे इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि शो अपना पेस नहीं धीमा पड़ने देता। शो की एडिटिंग परफेक्ट है और ओल्ड स्टाइल स्टोरी टेलिंग टेक्निक जो शो में यूज की गई है, जिससे है कुछ हार्ड हिटिंग सीक्वेंसेस एपिसोड के शुरुआत में ही दिखाए जाते हैं, जिससे स्टोरी के बारे में ज्यादा इंसाइट मिलती है और ये कॉन्सेप्ट शो को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बनाता है। वैसे तो टीवी शो फैंस के लिए ये एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होने ही वाला है, लेकिन अगर आप ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्री बेस्ड रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर बने टीवी शोज के फैन हैं तो ये आपके लिए जरूर एक मस्ट वॉच शो है। तो ये था मेरा रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।